गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 4th, द लैंटर्न एंड द फैन। वंस देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज ऑफ जापान हु हैड टू सन्स। एक बार की बात है, जब जापान में एक आदमी रहता था, उसके दो सन्स थे, उसके दो बच्चे थे। ही सन्स वेंट टू अ फार ऑफ विलेज एंड वर मैरिड देयर। उसके जो बच्चे थे वो विलेज से बहुत दूर चले गए थे और उन्होंने वहीं पे शादी कर ली। व्हेन दे रिटर्न्ड होम आफ्टर सम टाइम, जब वो घर वापस आए कुछ समय के बाद में, ईच ब्रॉट अ वाइफ, तो दोनों अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आए। द फादर इन लॉ वॉज ग्रेटली प्लीज विथ हिज टू डॉटर इन लॉ। फादर इन लॉ जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनकी टू डॉटर इन लॉ को देखकर। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू और फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। उनके जो ससुर थे वो बहुत खुश थे उनकी दो बहुओं को देख के। एंड फॉर मैनी मंथ दे ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर, और कुछ महीनों तक वो बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली बहुत खुशी से रही। इन जापान इट इज़ एन ओल्ड कस्टम डेट द सन्स एंड सन्स वाइफ्स मस्ट ऑलवेज ओबे द फादर। जापान के अंदर ये पुराना रिवाज है कि जो उनके बेटे हैं और उनकी जो बहू हैं वो उनके पापा की आज्ञा का पालन करें, उनको ओबे करें। वन डे बोथ द यंग वाइफ्स विश टू गो होम टू विजिट देयर फ्रेंड्स। एक दिन दोनों बहुएँ चाहती थी कि वो अपने पुराने घर जाएँ और अपने फ्रेंड्स से मिल के आए। सो दे वेंट टू देयर फादर इन लॉ, इसीलिए वो अपने पापा के पास, अपने ससुर के पास जाती है। एंड सैड रेस्पेक्टेड फादर इन लॉ वी विश टू सी आर फ्रेंड्स। उन्होंने बोला, उन दोनों बहुओं ने बोला कि पापा हमें हमारे फ्रेंड से मिलने जाना है। अ लॉन्ग टाइम हैज पास सिंस वी सॉ देम, बहुत टाइम हो गया कि हमने उन्हें देखा भी नहीं। मे वी गो टू आर ओल्ड होम, क्या हम दोनों हमारे पुराने घर जाएं एंड विजिट देम और उनसे मिल के आएँ। द फादर इन लॉ आंसर्ड नो, फादर इन लॉ ने कहा नहीं। आफ्टर मैनी मंथ्स, कुछ महीनों बाद, दे अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन टू देयर फादर इन लॉ। उन्होंने वापस वही क्वेश्चन अपने फादर इन लॉ से पूछा। अगेन ही रिफ्यूज्ड, और वापस फादर इन लॉ ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। द टू वाइफ्स रिपीटेड द सेम क्वेश्चन थर्ड टाइम, और दोनों वाइफ्स ने एक बार और अपने फादर इन लॉ से पूछा। देन फादर इन लॉ थॉट, तो उन्होंने उसके पापा ने सोचा, दे डोंट सीम टू केयर फॉर मी, कि मुझे लग रहा है उनको मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। अदरवाइज वाई वुड दे विश टू लीव मी, अगर होती तो वो मुझे छोड़ने की बात नहीं करती। बट आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। एंड आई कैन सून फाइंड आउट वेदर दे लव देयर फादर इन लॉ और नॉट, और उससे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी जो दोनों बहुएं हैं वो मुझे प्यार करती है या नहीं करती है। नाउ द फादर इन लॉ कॉल्ड बोथ द वाइव्स, और उसके बाद फादर इन लॉ ने, मतलब उनके ससुर ने, दोनों बहुओं को बुलाया। ही पुट अ कंडीशन बिफोर ईच वन ऑफ देम, उन्होंने दोनों के सामने एक एक कंडीशन रखी। ही सेड टू द एल्डर वाइफ, उसने एल्डर वाइफ से कहा, यू मे गो टू योर ओल्ड होम इफ़ यू विश, अगर तुम्हें जाना है अपने पुराने घर तो तुम जा सकती हो। बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी फायर रैप्ड इन पेपर, बट तुम जब तक वापस नहीं आ सकती तब तक तुम मुझे पेपर के अंदर फायर को रैप करके नहीं ला के देती हो। देन ही कॉल्ड द यंगर वाइफ एंड सेड टू हर, फिर उसने अपनी छोटी बहू को बुलाया और उसे कहा, यू मे गो इफ़ यू विश, तुम जा सकती हो अगर तुम्हें जाना हो, बट यू मस्ट नेवर कम बैक अनलेस यू ब्रिंग मी विंड रैप इन पेपर, पर तुम तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक तुम मुझे पेपर के अंदर विंड को रैप करके नहीं ला के देती हो। द फादर इन लॉ वॉज वेरी वाइज, फादर इन लॉ जो था, उनका जो ससुर था वो बहुत ज़्यादा चतुर था। ही गेव दैम अ सीवर टेस्ट टू फाइंड वेदर दे केयर फॉर हिम और नॉट, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए छोटा सा टेस्ट दिया कि जिससे उससे पता चल जाएगा कि ये मेरी फिक्र करते हैं या नहीं करते हैं। इफ़ दे केयर्ड दे वुड सर्च द कंट्री थ्रूली टिल दे फाउंड द पेपर डेट होल्ड बोथ फायर एंड विंड,
अगर वो मेरी केयर करते हैं तो वो ऐसी कंट्री ज़रूर ढूंढ लेंगे जहाँ पे पेपर जो है वो फायर और विंड दोनों को होल्ड करके रख सकता है। बोथ द वाइव्स डिड नॉट नो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ फादर इन लॉ। दोनों वाइव्स को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि उसने उनके ससुर ने जो उनके लिए कंडीशन रखी है वो कितनी टफ है। दे वर वेरी हैप्पी टू गेट हिज परमिशन। बस वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको परमिशन मिल गई थी अपने पुराने घर जाने की। दे ग्लैडली विजिटेड देयर ओल्ड फ्रेंड्स एंड एन्जॉय देयर कंपनी। वो बहुत खुशी से उनके पुराने फ्रेंड्स के पास गए और उन्होंने उनकी कंपनी को इन्जॉय किया, मतलब उनका साथ जो था वो इन्जॉय किया। फॉर अबाउट अ मंथ दे फॉरगॉट ऑल अबाउट द गिफ्ट्स डैट दे वर टू कैरी टू देयर फादर इन लॉ। एक महीने तक वो तो सब कुछ भूल गए थे कि उन्होंने उनको उनके फादर इन लॉ को गिफ्ट भी देना है, रिटर्न गिफ्ट भी देना है। एट लास्ट व्हेन वन मंथ वॉज अबाउट टू पास, फाइनली जब एक महीना ख़त्म होने वाला था, दे रिमेंबर द कंडीशन। उनको कंडीशन अचानक से याद आई, उनको कंडीशन याद आई। दे वर ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट वॉट दे हैड बीन आस्क्ड टू ब्रिंग बैक होम विद दैम। दे वर ग्रेटली ट्रबल। अब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गए, बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए कि अब उन्हें घर जाना है और वो अपनी उनकी कंडीशन कैसे फुलफ़िल करें, कैसे उनके फादर इन लॉ की कंडीशन को फुलफ़िल किया जाए। दे डिड नॉट नो वेयर दे कुड फाइंड द स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये जो चीज़ है, ये जो इतनी अजीब सी चीज़ें हैं, ये उन्हें कहाँ मिलेगी। दे आस्क अ वाइस मैन टू हेल्प दैम। उन्होंने वाइस मैन को मदद के लिए बोला। पेपर डैट विल होल्ड फायर इन विद ही क्राइड, देयर इज नो सच पेपर इन जापान। उस वाइस मैन ने कहा ऐसा पेपर जो फायर और विंड दोनों को होल्ड कर सके, ऐसा जापान में कोई पेपर ही नहीं है। वॉट कुड दे डू, अब वो क्या करें। दे फियर्ड दे वुड नेवर सी दे होम। अब उनको डर था, उनको डर लग रहा था कि वो अब अपना घर कभी भी नहीं देख पाएंगे। दे वॉज सो सैड डैट दे लेफ्ट देयर फ्रेंड्स एंड वेंडर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द फॉरेस्ट। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उन्होंने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया था और फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक चले गए थे। ग्रेट ट्यूअर्स फेल फ्रॉम देअर आइज, और बहुत सारे ट्यूअर्स आ रहे थे, बहुत सारे आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे। आई डू नॉट लेट पीपल क्राई इन माई वुड सेट द वॉइस, माई ट्रीज डू नॉट ग्रो वेल इन सॉल्ट वाटर। अचानक से वहाँ पे फॉरेस्ट में एक आवाज़ आई कि मैं मेरी लकड़ियों के पास में किसी को भी रोते हुए नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जो फॉरेस्ट है, मेरी जो ट्रीज़ है, वो सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। सॉल्ट वाटर का मतलब जो आंसू निकलते हैं वो, क्योंकि आंसू जो होते हैं वो बहुत खारे होते हैं, सॉल्टी होते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा मेरी जो ट्रीज़ है वो सॉल्ट वाटर के अंदर ग्रो अच्छे से नहीं करेंगे। द पुअर वाइव्स वर सो सॉरोफुल डेट दे फॉरगॉट टू बी अफ्रेड एंड द एल्डर वन सेड कैन वी हेल्प क्राई। पुअर वाइफ जो थी, दोनों जो वाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई थी और वो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अचानक से एल्डर वन का मतलब होता बड़ी वाली बहू ने कहा, अगर जब तक मैं अपने फादर इन लॉ को पेपर के अंदर फायर रैप करके नहीं दूंगी तब तक मैं घर नहीं जा सकती। And I wailed the younger, unless I carry wind wrapped in paper, I can never go home. और younger one ने कहा जब तक मैं पेपर के अंदर विंड को रैप करके नहीं दे सकती, नहीं दूंगी, तब तक मैं भी घर नहीं जा सकती। None of the wise men have ever heard of such things. What shall we do? और कोई भी वाइस मैन को किसी ने भी वाइस कोई भी वॉइस वाइस मैन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना है कि ये दोनों चीज़ें मतलब फायर भी रैप हो जाए और विंड भी रैप हो जाए। अब मैं क्या करूं? इट्स इजी इनफ टू रैप फायर इन पेपर, आंसर द वॉइस, हियर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच। वॉइस ने कहा ये तो बहुत ईजी है कि पेपर के अंदर फायर को रैप करके दिया जाए। हियर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, देखो ये पेपर है, अब ये जो है ये पेपर है, अब देखो। दे वॉच एंड स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड हैपन राइट बिफोर देयर आइज। उन्होंने देखा और सबसे इतनी अजीब चीज उनकी आंखों के सामने हो रही थी। देयर वॉज नो वन टू बी सीन,
बट वहाँ पे कोई भी नहीं था देखने के लिए, बट अ पीस ऑफ पेपर अपीयर्ड ऑन द ग्राउंड, और अचानक से पीस ऑफ पेपर, एक पेपर उनके ग्राउंड पे आ जाता है एंड फोल्डेड इट सेल्फ इन टू अ जैपनीज लैंटर्न, और ऑटोमेटिकली अपने आप से वो फोल्ड होता है और जैपनीज लैंटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ पुट अ कैंडल इन साइड सेट द वॉइस एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर, वॉट मोर कुड यू आस्क। और उसने बोला, वॉइस ने कहा कि अब इस लैंटर्न के अंदर आप एक कैंडल को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, पेपर होल्डिंग फायर, पेपर जो है वो फायर को होल्ड करने वाली बन जाएगी, मतलब एक लैंटर्न बन जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें। द एल्डर वुमेन वॉज हैप्पी, एल्डर वुमेन मतलब बड़ी बहू थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बट द यंगर वॉज स्टिल सैड, यंगर मतलब छोटी बहू थी वो अभी तक दुखी थी। सी सो नाउ डेट फायर कुड बी कैरीड इन पेपर बट श्योरली नो वन कैरी विंड। उसने कहा कि फायर को तो पेपर के अंदर कैरी किया जा सकता है बट मैं श्योर हूँ कि विंड को कैरी नहीं कर सकते। ओ डियर वॉइस शी क्राइड, कैन एनीवन कैरी विंड इन पेपर। तो यंगर वाइफ ने बोला कि क्या मुझे बताइए वॉइस कि कोई भी विंड पेपर के अंदर विंड को कैरी कर सकता है। डैट इज मच ईजियर देन कैरिंग फायर, रिप्लाइड द वॉइस। तो वॉइस ने कहा ये तो फायर को कैरी करने से भी ज़्यादा इजी है। फॉर विंड डज नॉट बर्न होल्स, नाउ वॉच, विंड के लिए होल्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, दे वॉच ईगरली, वो बहुत उत्सुकता से देख रहे थे। अनदर पीस ऑफ पेपर केम ऑल बाय इटसेल्फ, और अपने आप से एक और पेपर दोनों के बीच में आ जाता है ग्राउंड के अंदर। देयर वॉज अ पिक्चर ऑन इट ऑफ अ ट्री कवर्ड विद द वाइट ब्लॉसम, और वहाँ पे उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर पिक्चर थी किसकी, वाइट ब्लॉसम्स की, मतलब वाइट कलर के फ्लावर्स की पिक्चर्स थी वहाँ पे जो पूरे पेपर को कवर किए हुए थी। टू वुमेन स्टूड अंडर द ट्री गैदरिंग द ब्लॉसम्स, और उनके नीचे दो वुमेन उस पेपर के अंदर पिक्चर में दो वुमेन खड़ी है जो ब्लॉसम को गैदरिंग कर रही है, मतलब ब्लॉसम को इकट्ठा कर रही है। द टू वुमेन आर योर सेल्फ सेट द वॉइस, वॉइस ने कहा ये जो दो वुमेन है ये तुम दोनों हो। एंड द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट डैट योर फादर इन लॉ विल गिव यू वैन यू गो होम, और ये जो ब्लॉसम्स है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हें तुम्हारे फादर इन लॉ देंगे जब तुम घर जाओगे। बट आई कैन नॉट गो होम, द यंगर वुमेन वेल्ड, फॉर आई कैन नॉट कैरी विंड ड्रैप्ड इन पेपर। बट यंगर वुमेन ने कहा मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने पेपर के अंदर विंड को रैप नहीं किया है। हियर इज द पेपर एंड देयर इज ऑलवेज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ विंड, वाई नॉट टेक दम, ये एक पेपर है और ऑलरेडी अपने अपने एरिया में, मतलब अपने जो वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत सारी विंड है, बहुत प्लेंटी ऑफ विंड है, तो आप इस पेपर को ही क्यों नहीं लेके जाती। इंडीड आई डू नॉट नो हाउ, द यंगर वुमेन आंसर सोरोफुली, तो जो यंगर वुमेन है, छोटी वाइफ है, सॉरी छोटी बहू है, वो बोलने लगी भयभीत होके, डर के मारे बोलने लगी कि मुझे नहीं पता कि कैसे इस पेपर के अंदर विंड को कैरी किया जा सकता है। दिस वे ऑफ कोर्स सेड द वॉइस, तो वॉइस ने कहा मैं बताता हूँ कैसे ये ऐसे इसको कैरी किया जा सकता है। सम लॉन्ग लाइट ट्विग्स फ्लू टू द पेपर, और उसने बोला छोटी पतली जो टहनियाँ हैं वो पेपर को फ्लू करेगी, मतलब टहनियाँ जो है, पतली पतली टहनियाँ जो है वो अगर हिलेगी तो मतलब हवा देगी तो पेपर ऑटोमेटिकली हिलेगा। इट ओपन एंड क्लोज एंड वेव्ड इटसेल्फ बिफोर द टीयरफुल फेस ऑफ द यंगर वुमेन, ये बोल रहा है ये ओपन भी अपने आप होगी, क्लोज भी अपने आप होगी और वेव भी अपने आप से करेगी, फिर यंगर वुमेन की आइज से आंसू निकल जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। डज नॉट द विंड कम टू योर फेस, क्या आपको इसको हिलाने से विंड नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही है, आस्क द वॉइस। एंड इज इट नॉट द फैन डैट इज ब्रॉट इट, क्या ये फैन नहीं है जो तुमने बनाया है, दैट जो तुमने लाया है। द लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर एंड द फैन कैरीज विंड रैप्ड इन पेपर, लैंटर्न को भी लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन पेपर, लैंटर्न को कैसे कैरी किया जा सकता है, पेपर के अंदर फायर को रैप करके, और फैन को कैसे कैरी किया जा सकता है, पेपर के अंदर विंड को रैप करके। देन इंडीड द टू यंग वुमेन वर हैप्पी, और दोनों जो यंग वुमेन थी बहुत खुश हो गई। एंड व्हेन दे केम टू द होम ऑफ देयर फादर इन लॉ,
जब वो अपने फादर इन लॉ के घर आई, मतलब अपने ससुर के घर आई, ही वॉज एज ग्लैड एज देवर, और उसके जो फादर इन लॉ थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे जैसे वो पहले थे। ही गेव दैम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को बहुत अच्छे तोहफे दिए, बहुत अच्छे गिफ्ट दिए। किसके दिए? गोल्ड और सिल्वर के। एंड ही सेड नो वन एवर हैड सच मार्वल्स बिफोर एज द लैंटर्न एंड द फैन, बट इन माई होम देयर आर टू मोर प्रेशियस थिंग देन दीज, दे आर माई टू डियर डॉटर इन लॉ। उन्होंने कहा कि जो लैंटर्न और फैन है उससे भी ज़्यादा प्रीसियस थिंग जो है मेरे पास है, और वो मेरी दोनों डॉटर इन लॉ हैं। सो माई डियर चाइल्ड, आई होप यू माइट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।